माना गया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शोमैन, नाम रणबीर राज कपूर, जिन्हें हम प्यार से सिर्फ राज कपूर के नाम से ही जानते हैं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिशतानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। राज कपूर साहब का जन्म 14 दिसंबर सन 1924 में हुआ। इलाका था धक्की मुनव्वर शाह किस्सा खानी पेशावर, जो कि अब पाकिस्तान में है। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने। पेशा क्या आपका? राज कपूर साहब के वालिद महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर और चाची जी यानी कि माँ रामसरनी देवी कपूर अपने माँ बाप के 6 बच्चों में ये सबसे बड़े थे। हालांकि 6 बच्चों में से सिर्फ 4 ही बचे, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और बहन उर्मिला सयाल। कहता है जोकर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। शम्मी कपूर और राज कपूर के बीच 2 और भाई थे, वो दोनों बचपन में ही गुजर गए। बाद में इनका परिवार पेशावर से पंजाब की तरफ रवाना हो गया। जाने कहां गए वो दिन, नजरों को हम बिछाएंगे। राज कपूर साहब की शुरुआती पढ़ाई कर्नल राउंड कैम्ब्रिज स्कूल देहरादून में हुई। मैं बहुत देर से बात समझता हूँ, उंधी खोपड़ी है ना मेरी। पिता पृथ्वीराज कपूर अलग अलग थिएटर कंपनीज का हिस्सा बनते रहे, कभी मुंबई तो कभी कलकत्ता। राज कपूर साहब भी पृथ्वी थिएटर का ही हिस्सा बन गए और पिता के साथ एक्टिंग करने लगे। ये मेरी तस्वीर, मेरे बाप का नाम सेठ गिरधारी लाल है, मैं सुमन से शादी करने के लिए घर से भाग रही हूँ और मेरे पकड़ने वाले को 1,25,000 रुपए इनाम मिले। ये किस्सा मशहूर है कि जब इनका परिवार कलकत्ते शहर में रहता था, वहाँ पर खूब बारिश हुई। राज साहब की माँ ने पृथ्वीराज कपूर साहब से कहा, क्या आज राज घर की गाड़ी में बैठ के स्कूल जा सकता है क्या? पृथ्वीराज कपूर साहब बड़े सख्त थे, उनका ये मानना था कि बच्चों को शुरुआत में ही ऐशो आराम नहीं देने चाहिए। इसीलिए पापा जी ने कहा, वैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त ट्राम पकड़ के अपने अपने काम पर जा रहे होंगे इस बरसात में, लेकिन अगर वाकई देर हो रही है और राज को गाड़ी चाहिए ही तो भेज दो। अभी ये बात चली रही थी कि राज कपूर साहब ने बराबर वाले कमरे में ये सारी बातें सुन ली और बरसाती ओढ़े, हाथ में छतरी लिए, स्कूल का बस्ता लटकाए, ये पैदल ही बरसात में रवाना हुए स्कूल की तरफ। ये चोट भी कमबख्त कहीं अंदर ही लगी है, डॉक्टर वक्तों की समझ में नहीं आएगा। माँ ने आवाज लगानी चाही पर पिता पृथ्वीराज कपूर ने रोक लिया और कहा कि देखना, एक दिन ये लड़का ऐसी गाड़ियों का मालिक बनेगा जिनके बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। इसके खुददारी को जरा ललकारा गया है और यही बात कमाल कर दिखाएगी। हकीकत से दूर रहने वाले मुझे हकीकत समझा। मात्र 10 साल की उम्र में राज साहब फिल्म में नजर आए थे। फिल्म थी 1935 के इंकलाब। छोटी बड़ी फिल्मों में ये काम करते रहे और फिर इन्हें केदार शर्मा जी का साथ मिला। केदार शर्मा साहब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसमें राज कपूर को बतौर क्लैपर बॉय लिया गया। राज साहब अपने बाल सेट करने में इतने मशगूल थे कि जैसे ही क्लैप मारी तो हीरो की मूंछ निकल आई। एक बार नहीं कई मर्तबा राज साहब ठीक से क्लैप नहीं दे पाए थे और तब केदार शर्मा जी ने उन्हें एक थप्पड़ रसीद किया। बाद में केदार शर्मा को बहुत बुरा लगा और सोचा, राज तो दरअसल खुद हीरो बनना चाहता है, लिहाजा इसे ब्रेक देनी चाहिए, और फिल्म बनाई 1947 की नील कमल, जिसमें इनके साथ मधुबाला थी। ऐसों से क्या मोह बढ़ाना, ऐसों से क्या। दो राज कपूर एंटर्ड सिनेमा थ्रू वाल्मीकि, दिस वाज हिज फर्स्ट फिल्म एज ए हीरो। 1948 के आते आते राज कपूर 24 बरस के हो गए थे और मन बनाया कि खुद ही फिल्मों को प्रोड्यूस करेंगे। इनके पिताजी ने, माताजी ने खूब समझाया कि बेटा बिना पैसे के फिल्में प्रोड्यूस नहीं होती, पर कुछ लोगों से उधार लेके कहीं से पैसा इकट्ठा करके इन्होंने फिल्म बनाई आग। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा था कि राज साहब आपने फिल्म बनाई है तो क्यों नहीं अपना एक थिएटर भी बना लेते। राज कपूर ने पूछा क्यों, तब डिस्ट्रीब्यूटर्स ने कहा कि अगर आग लगे तो आप ही के थिएटर में लगे, हमारे थिएटर में आग क्यों लगे। चेताना बड़ा जबरदस्त था। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जो मैं चाहता था ना हो, लेकिन जानता था होकर रहेगा। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत कमाल तो नहीं किया था, पर आग को देखकर ये समझ में आ गया था कि राज कपूर अपना काम जानते हैं और उसी आग की ज्वाला ने राज कपूर को आगे बढ़ाया। मैं नौकरी करना भी नहीं चाहता। नौकरी नहीं करोगे तो क्या सड़कों पे आवारा घूमोगे? मैं अपना थिएटर बनाना चाहता हूँ।
राज कपूर एक तरफ बतौर एक्टर काम कर रहे थे तो दूसरी तरफ बतौर डायरेक्टर भी। जल्द ही इन्होंने अपना आर के बैनर बना लिया। अब फिल्म बरसात के रिलीज के बाद इन्होंने बतौर प्रोड्यूसर सफलता देखी और नरगिस जी और इनका एक दृश्य था जिसे बाद में आर के बैनर का लोगो बना लिया गया। फिर तो राज कपूर ने पलट के नहीं देखा। के बतौर एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर काम करते रहे और फिर इन्होंने सपना देखा कि ये अपना खुद का स्टूडियो बनाएंगे। बेंगलोर में मेरा एडिटर रहता है, मुझे यकीन है कि मुझे पैसा दे देगा। इनकी बीवी ने इनसे कहा कि आप स्टूडियो बनाने की सोच रहे हैं, पहले हमारा खुद का मकान तो होना चाहिए। तब राज साहब ने कहा था कि देखो कृष्णा, जिनके मकान बन जाते हैं उनके स्टूडियो नहीं बनते, पर जिनके स्टूडियो बन जाते हैं उनके मकान जरूर बनते हैं। सुनो कम्मू, सोचता हूँ कि अभी चला जाऊँ, सुबह तक पैसा लेके वापस आ जाऊँ। शुरुआती दौर में आज के स्टूडियो बिना छत का स्टूडियो था। काम करते रहे, दिन रात शूटिंग करते रहे और धीरे धीरे आर के स्टूडियो पे छत डाली गई। राज कपूर साहब की फिल्में खूब मकबूल हो रही थी, चाहे वो आवारा रहे कि श्री 420, चोरी चोरी रहे कि जागते रहो या फिर जिस देश में गंगा बहती है। मैं शरीफ नहीं हूँ। राज साहब को अवार्ड से भी नवाजा जा रहा था और ये बड़ी मुख्तलिफ फिल्में भी प्रोड्यूस कर रहे थे, जैसे बूट पॉलिश और अब दिल्ली दूर नहीं। राज कपूर साहब के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई कृष्णा खन्ना से। ये शादी सन 1946 में हुई। इस तरह से राजेंद्र नाथ, प्रेम नाथ और नरेंद्र नाथ इनके साले बन गए, क्योंकि इन्हीं की बहन से तो इनकी शादी हुई थी। मेरे सख्त हाथों से तुम्हारे फूल से बदन को ठेस लगती है। मैंने माँ से पहले कहा था कि बचपन के दिन और बचपन की साथी फिर कभी लौट कर नहीं आए। अच्छा तुमने मुझे मेरा नीचा कच्चा याद दिलाया। बाद में प्रेम चोपड़ा भी राज कपूर के साड़ू भाई बने, क्योंकि कृष्णा जी की छोटी बहन उमा का विवाह प्रेम चोपड़ा से हुआ। जहाँ एक तरफ राज कपूर ने थिएटर में अपना सिक्का जमाया था, फिल्म एक्टिंग में सिक्का जमाया था, तो वहीं दूसरी तरफ बतौर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये खूब जबरदस्त फिल्में बना रहे थे। अपने पे हंस कर जग को हंसाया, बनके तमाशा मेले में आया। उनकी एक बड़ी जबरदस्त टीम थी, संगीतकार शंकर जयकिशन, गीतकार शैलेंद्र और हसरत जयपुरी। राइटिंग डिपार्टमेंट में इनके पास थे ख्वाजा अहमद अब्बास और वीपी साठे। साहब की आवाज बने मुकेश और मन्ना डे दोनों। मुकेश साहब दरअसल बीच में एक्टिंग में व्यस्त हो गए थे और बड़े अनोखे गाने फिर मन्ना डे साहब ने गाए, चाहे वो श्री 420 सही या फिर चोरी चोरी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त बिदाए उठा धीरे धीरे। राज कपूर ने अपने बच्चों से भी यही कहा था कि देखो, अगर फिल्मों में काम करना है तो तुम आर के स्टूडियो में काम नहीं करोगे, पहले दूसरे के पास जाके काम सीखोगे और फिर आरके के बैनर के अंदर काम करोगे। तीनों ही बेटों ने फिर काम किया, बड़े बेटे रणधीर कपूर, मंझले ऋषि कपूर और राजीव कपूर। बेटियां रीमा और रितु दोनों ही फिल्मों से दूर रहीं। हालांकि राज कपूर साहब की पोतियों ने यह साबित कर दिया कि वो फिल्मों में आके काम कर सकती हैं। पता है क्या, आज तक लाइफ में एक ट्रेन नहीं छूटी मेरी। थैंक यू बाबा जी, मेरा रिकॉर्ड टूटने से बचा लिया। और इनकी दो बड़ी बहुएं बबीता और नीतू सिंह भी फिल्मों से ही आई थी। जान पहचान तो पहले से थी, आज तुझे दिल ने पहचाना। दशक के अंत तक आते आते राज कपूर ने ठान लिया कि अब वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो इनके जीवन पे आधारित होगी। फिल्म रही मेरा नाम जोकर। राज कपूर दुनिया भर में मशहूर थे, खासतौर पे चाइना और रशिया में, और रशियन सर्कस के बहुत सारे कलाकार मेरा नाम जोकर में नजर आए। मेरा नाम जोकर में फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स ने काम किया, पर फिल्म उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी। ये वो फिल्म थी जिसमें एक नहीं बल्कि दो इंटरवल थे। राज कपूर को झटका लगा, दुख हुआ, बहुत कुछ नीलाम भी हुआ इनका। लगा कि राज कपूर खत्म हुए, पर मैं एक इंसान हूँ और हर इंसान की तरह दो आंखें, दो कान, एक नाक, एक पेट और एक दिल रखता हूँ। उसके बाद इन्होंने अपने राइटर टीम से कहा कि एक कहानी लिखो जो कि मेरा नाम जोकर के पहले भाग पे आधारित होगी, जिसमें हीरो होगा मेरा बेटा चिंटू यानी कि ऋषि कपूर और हीरोइन होगी एक नई लड़की डिंपल कपाड़िया। मैं शायर तो नहीं, मैं अच्छा लड़का हूँ क्या?
मैंने तुझको मुझको तुमने कहा था ना जीने में मरने में मेरा साथ दोगी। शंकर जयकिशन की जोड़ी टूट गई थी, जयकिशन साहब का निधन हो चुका था। शैलेंद्र और हसरत की जोड़ी भी टूटी थी क्योंकि शैलेंद्र साहब भी मेरा नाम जोकर के पूरा होने से पहले गुजर गए थे, लिहाजा एक नई म्यूजिक टीम के साथ इन्होंने काम किया, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी। हम तुम और फिल्म बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया, मेरा नाम जोकर ने जो धक्का दिया था वो दूर कर दिया। वो और बात है कि आगे जाकर मेरा नाम जोकर ने वो ख्याति प्राप्त की कि राज कपूर के परिवार को बड़ा गर्व हुआ। दुनिया में एक चीज शेर बबर से भी ज्यादा खतरनाक और डरावनी है और वो है गरीबी और भूख। बड़ी जबरदस्त प्रतिस्पर्धा रही राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद के बीच, पर इन तीनों की ही फिल्में अपना अपना अलग स्थान रखती थीं। राज कपूर और दिलीप कुमार तो बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, बल्कि बचपन के दोस्त थे। राज कपूर को कई बार नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया और आज भी इनका खानदान मनोरंजन की इंडस्ट्री से ही जुड़ा है। राज कपूर के पोते को भी राज कपूर का ही नाम दिया गया, रणबीर कपूर। राज साहब के डायरेक्शन में इनके परिवार के कई लोगों ने काम किया। पृथ्वीराज कपूर, शशि कपूर, शम्मी कपूर, ऋषि कपूर, राजीव कपूर, पर इनके सबसे बड़े बेटे रणधीर कपूर ने इनके डायरेक्शन में कभी काम नहीं किया। तुमने तो बताया था कि नहीं, ये आया कब है? ये कल ही तो आया। उल्लू के पट्टे बड़े बूढ़ों से ऐसा मजाक करते हैं। धीरे धीरे वो वक्त भी आया जब राज कपूर साहब को दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाना था। इनकी उम्र 63 बरस की थी और ये अस्थमा से पीड़ित थे। साल था 1988। इससे पहले कि ये अवार्ड ले पाते, प्रेसिडेंट साहब खुद इनके पास पहुंचे, पर अवार्ड लेते लेते ही राज कपूर साहब की हालत बुरी तरह से बिगड़ गई। इन्हें दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती किया गया, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। 2 जून सन 1988 राज कपूर का निधन हो गया। इन्होंने एक फिल्म हिना की शुरुआत की थी जिसे बाद में इनके बच्चों ने पूरा किया। भारतीय सिनेमा के इतिहास में यकीनन राज कपूर जैसा शोमैन ना कोई था ना ही कोई होगा। कल खेल में हम हो ना हम, सतारे रहेंगे सदा। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ।